हिंदी फिल्मों में ढेरों ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो बतौर नायक फिल्मों में भले ही कामयाब ना हुए हों, लेकिन जब उन्होंने टेलीविजन पर अपनी तकदीर को आजमाया तो वे न सिर्फ टेलीविजन पर कामयाब हुए बल्कि जब उन्होंने फिल्मों में वापसी की तो वहाँ भी उन्हें दमदार रोल्स ऑफर किए जाने लगे। ऐसे ही कामयाब एक्टर्स में से एक हैं सुदेश बेरी, जिनके अलग अंदाज और नेचुरल एक्टिंग का हर कोई कायल है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे थिएटर की दुनिया से आए सुदेश बेरी के फिल्मी सफर और एक्टिंग करियर के बारे में, जो वास्तव में बहुत ही दिलचस्प है। एक मर्तबा हिटलर जैसे सिपाही ने भी कहा था, अगर गुरखाओं की पलटन मुझे मिल जाती है तो मैं सारी दुनिया पे फतेह पा सकता हूँ। इसीलिए आज आपका ये सीओ ललित राय अपने बहादुर सिपाहियों को कारगिल पे फतेह देखना चाहता है। इन पाकिस्तानियों को पागल कुत्ते ने काटा जो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे। अरे जाएंगे पंजाब या कश्मीर जहाँ खुशहाली है, हरियाली है। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अरे यहाँ कौन सा शहर है, मिलो उजाड़ बियाबान रेगिस्तान, जहाँ साला ना चाहते हुए भी इंसान दिन में आधा किलो मिट्टी खा जाता है। छुट्टी लेकर मैं घर तक नहीं पहुंचा सर, आधे रास्ते से वापस सिर्फ अपनी कंपनी के साथ दुश्मनों का सामना करने के लिए आ गया, सिर्फ ये सुनने के लिए कि कमांड ने मुझे पीछे हटने का हुक्म दिया। मुझे गोली मार दीजिए सर, मगर मैं ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूं। भैरव सिंह, ये धरती अगर तुम्हारी मां है तो मेरी भी मां है, हो सके तो मेरे बच्चे की मां को संदेशा पहुंचा देना। कहना कहना मैं उसका गुनहगार हूं। इट्स ओके लाला, पैसे वाले तो लोगों का ईमान तक खरीद लेते हैं। तूने एक सच भेज दिया तो क्या हुआ, चल 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 के रूम में बैठते हैं। उस लड़की की आवाज में इतना खौफ था, इतनी दहशत थी, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का मजाक हमसे कर सकता है। शी इज इन ट्रबल श्रीवास्तव, आई एम नॉट श्योर। फिल्मों में संघर्ष के दौरान जहां एक और कोई भी एक्टर हर तरह के रोल्स करने को तैयार रहता है और एक भी चांस नहीं गंवाना चाहता है, तो वहीं सुदेश बेरी ऐसे एक्टर्स में से हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दौरान भी बस अपने दिल की सुनी और वही काम किया जो उन्हें पसंद आया। 20 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे सुदेश बेरी आज बेशक एक जाने माने एक्टर्स में गिने जाते हैं, लेकिन कभी सुदेश के पिता चाहते थे कि वे एक बॉक्सर बने और सुदेश ने बाकायदा बॉक्सिंग की शुरुआत भी कर दी थी। सुदेश अपने कॉलेज के दिनों में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा भी लेने लगे थे, लेकिन उनके साथ हुई एक दुर्घटना के बाद उन्होंने बॉक्सिंग से पूरी तरह से दूरी बना ली और अपने दूसरे शौक एक्टिंग को ही अपना करियर बनाने का मन बना लिया। मुंबई के फिल्मी माहौल में पले बड़े सुदेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कई वर्षों तक नाट्य संस्था इप्टा से जुड़कर थिएटर में अभिनय किया, जहां उनके अभिनय को खूब सराहा गया। हालांकि जब सुदेश ने थिएटर में शुरुआत की थी तो उनकी नौजवानी की उम्र थी और वे मौज मस्ती भी खूब किया करते थे, लेकिन जैसे ही वे खुद को नाटक के किरदार में ढालते तो लोगों को यकीन नहीं होता कि ये वही मनमौजी लड़का है। सुदेश बताते हैं कि उस दौरान उन्होंने अपना पहला नाटक शबाना आजमी जी के साथ किया था, जिसका नाम था सफेद कुंडली, जिसमें उनके काम को देखकर वे कहती थीं कि ये तो रॉ डायमंड है। बहरहाल ऐसी तारीफों के साथ साथ धीरे धीरे उन्हें नाटकों में मेन रोल्स मिलने लगे और सुदेश मुंबई थिएटर के एक मशहूर एक्टर हो गए। इसी दौरान वर्ष 1982 में इप्टा से जुड़े एक्टर्स और कुछ चर्चित चेहरों को लेकर एक फिल्म बनी जिसका नाम था तड़प, जो कुछ विवादित दृश्यों के कारण लगभग 8 वर्षों तक सेंसर बोर्ड में अटके रहने के कारण उनकी पहली फिल्म का दर्जा न पा सकी। भारत भूषण, नवीन निश्चल, विजेंद्र घाट के और जरीना बहाब जैसे कई नामी एक्टर्स की इस फिल्म में सुदेश ने एक टपोरी नौजवान की भूमिका निभाई थी। हालांकि देर से रिलीज हुई इस फिल्म से पहले ही सुदेश वर्ष 1988 में आई फिल्म खतरों के खिलाड़ी से बड़े पर्दे पर अभिनय की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म से उन्हें कोई फायदा न मिल सका। इसके बाद आई फिल्म खून हिसाब का, वह फिल्म भी सफल न हो सकी। सुदेश इस दौरान भी थिएटर से जुड़े रहे क्योंकि उन्हें फिल्मों से भले फायदा न मिल रहा हो, लेकिन नाटकों में उन्हें लीड रोल ही मिला करते थे। एक दिन सुदेश मुंबई के पृथ्वी थिएटर में नाटक सैया भाई कोतवाल का मंचन कर रहे थे, जिसे देखने निर्देशक राजकुमार संतोषी जी के असिस्टेंट लतीफ बिन्नी भी आए हुए थे, जो कि खुद भी थिएटर से जुड़े हुए थे और सुदेश के काम को पहले भी देख चुके थे। उन्होंने सुदेश से पूछा कि हिंदी फिल्मों में काम करोगे, सुदेश ने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं करूंगा।
लगा। लतीफ विन्नी ने उसी दिन सुदेश को ले जाकर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी और सनी देओल से मिलवा दिया। मजे की बात ये कि बिना किसी ऑडिशन के ही सुदेश को एक बार में ही सिलेक्ट भी कर लिया गया और इस प्रकार उन्हें घायल में काम मिल गया, जो वर्ष 1990 में रिलीज हुई और जबरदस्त कामयाब हुई। फिल्म घायल की कामयाबी के बाद सुदेश की इंडस्ट्री में एक पहचान बन गई और काम भी मिलने लगे। इस फिल्म के बाद बतौर नायक उनकी कुछ और फिल्में आईं, जिनमें घायल फिल्म के ही एक्शन मास्टर पप्पू वर्मा शूटिंग के दौरान सुदेश के काम को देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने खुद के द्वारा निर्मित अपनी अगली फिल्म वंश में बतौर नायक सुदेश को साइन कर लिया। वर्ष 1992 में फिल्म वंश के साथ साथ सुदेश की अगली फिल्म युद्धपथ भी रिलीज हुई। हालांकि इन फिल्मों में सुदेश के काम को तो खूब पसंद किया गया, लेकिन इसका उन्हें फायदा न मिल सका। इसी दौरान उन्होंने बीआर चोपड़ा के कालजयी धारावाहिक महाभारत से टेलीविजन का रुख किया, लेकिन ढेरों नए पुराने एक्टर्स के बीच यादगार भूमिका निभाने के बावजूद भी बतौर एक्टर जिस सफलता की उनको चाहत थी वो अभी उनसे काफी दूर थी। महान कवि हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती से प्रेरित अपने काम को ईमानदारी और लगन से करते रहने वाले सुदेश को टेलीविजन पर असल पहचान मिली वर्ष 1992-93 में प्रदर्शित रोमांटिक धारावाहिक कशिश से। इसके बाद टेलीविजन और फिल्मों में एक साथ अपनी पकड़ बनाए हुए सुदेश ने ढेरों धारावाहिकों के साथ साथ एक के बाद एक कई बड़ी और सफल फिल्मों में दमदार भूमिकाओं के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोस्तों, फिल्मों में सुदेश लीड रोल की जगह दमदार और चुनिंदा रोल्स को ज्यादा महत्व देते हैं, भले ही उनके रोल की लंबाई बहुत बड़ी ना होती हो। सुदेश कहते हैं, बॉलीवुड से मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर रहा करते थे, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी तो आबो हवा ही इंडस्ट्री के गर्व चार बंगले में है, तो मुझे किस बात की कमी है। दोस्तों, यहाँ हम बता दें कि मुंबई का चार बंगला एरिया भी फिल्मी कलाकारों और टेक्नीशियंस से भरा हुआ है, जहाँ सुदेश जी पल्ले बढ़े हैं। बॉर्डर, आर्मी, रिफ्यूजी, हिम्मत, माँ तुझे सलाम, एलओसी कारगिल, टैंगो चार्ली और सनम तेरी कसम जैसी ढेरों फिल्मों में सुदेश ने बतौर सहायक और चरित्र अभिनेता यादगार अभिनय किया है। कम लोगों को ही पता होगा कि जेपी दत्ता जी की फिल्म बॉर्डर में पहले उन्हें सनी देओल वाला रोल ऑफर हुआ था, जिसे उन्होंने इनकार कर दिया था, और उसकी वजह भी बड़ी ही दिलचस्प है। दरअसल जेपी दत्ता ने जिस वक्त सुदेश को सनी देओल के जेसीओ सरदार यानी मेजर कुलदीप सिंह के रोल के लिए बुलाया था, उस वक्त उनके बाल बड़े बड़े हुआ करते थे, शायद इसलिए उन्हें इस रोल के लिए चुना भी गया था। लेकिन सुदेश तब सरदार का रोल नहीं करना चाहते थे और वे इससे बचने के लिए अपने बालों को फौजी स्टाइल में कटवा कर जेपी दत्ता के सामने पहुंच गए। उन्होंने भी सुदेश के मन की बात भांप ली और सरदार की जगह फौजी मथुरा दास का रोल दे दिया, जिसे सुदेश ने अपने सदैव अभिनय से जीवंत कर दिया था। शुरुआत में नकारात्मक लेकिन बाद में सबका दिल जीतने वाले इस किरदार को दर्शक कभी भुला नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि डर फिल्म में शाहरुख खान का रोल पहले सुदेश बेरी को ऑफर हुआ था, जिसे करने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि दरअसल उन्हें इस फिल्म का टाइटल बड़ा अटपटा लगता था, जो कि अंग्रेजी के हिसाब से डर की जगह डर जैसा दिखता था। स्वभाव से मूडी एक्टर सुदेश ने डर के अलावा ढेरों फिल्में ठुकराई हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि उन्होंने दो चार नहीं लगभग 200 फिल्मों के ऑफर ठुकराए हैं। इस बात को लेकर सुदेश मजाक में कहते हैं कि मैं गर्लफ्रेंड और फिल्में नहीं गिनता, 200 के आंकड़े के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन 25-30 सालों में मेरे साथी कलाकार 200-300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, तो हो सकता है मैंने इतनी फिल्में रिफ्यूज कर दी हूँ। हिंदी के अलावा सुदेश ने पंजाबी और तमिल सहित अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है और आज भी एक्टिव है। टेलीविजन धारावाहिकों की बात की जाए तो महाभारत और कशिश के बाद सुदेश सस्पेंस आधारित धारावाहिक सुराग में इंस्पेक्टर भरत के रोल से उस दौर में घर घर में मशहूर हो गए थे। 90 के दशक में प्रसारित इस शो में बाएं हाथ से हर काम को करने वाले सुदेश की पर्सनालिटी और अंदाज में लोगों को यंग अमिताभ बच्चन की झलक भी देखने को मिला करती थी। सुदेश ने दूरदर्शन सहित विभिन्न चैनल्स पर दर्जनों धारावाहिकों में लीड रोल्स निभाए और ढेरों धारावाहिकों में सहायक और चरित्र भूमिकाओं को भी सफलतापूर्वक अभिनीत किया। जन्म युग, अंदाज, अगले जन्म मोहे बिटिया ही की जो, बेगूसराय, आरजू, बंधन, सिया के राम, कहीं किसी रोज, माता की चौकी, शक्ति, मुस्कान और प्रेम या पहली चंद्रकांता जैसे ना जाने कितने धारावाहिकों के नाम शामिल हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। इसके अलावा सुदेश कई वेब शोज में भी सक्रिय हैं। दोस्तों, सुदेश हमेशा ये कहते हैं कि टीवी मेरी बीबी है तो फिल्में मेरी माशुका, क्योंकि टीवी ने मुझे बुरे वक्त में संभाला है, जबकि फिल्में जिंदगी में माशुका की तरह आती जाती रही हैं। फिल्म उद्योग में लगभग 3 दशकों से भी अधिक समय से काम कर रहे सुदेश बेरी कहते हैं कि वे अभिनय के लिए ही पैदा हुए हैं, अभिनय ही उनका धर्म है जिसे वे पूरे दिल से करते हैं। सुदेश निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में आने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं और ऐसी फिल्मों और शोज का निर्देशन करना चाहते हैं जो मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी हों। सुदेश का कहना है
कि उनकी फिल्म चाहे विज्ञान आधारित हो या ऐतिहासिक, लेकिन वह दर्शकों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर देंगी। सुदेश बेरी जी के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम सरिता बेरी है और उनके एक बेटे हैं सूरज बेरी जो कि अपने पिता की तरह ही अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सूरज बेरी ने बॉलीवुड में द लिटिल गॉडफादर नामक एक फिल्म के साथ वर्ष 2011 में ही बतौर एक्टर अपनी शुरुआत कर दी थी, लेकिन पूरी तरह से शूट होने के बावजूद यह फिल्म इसके निर्माताओं एकता कपूर और सुनील शेट्टी के बीच हुए मतभेदों के कारण रिलीज होने में लेट हो गई। इस बीच सूरज एक्टिंग का कोर्स करने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया चले गए और वापस लौटकर नए सिरे से अपने एक्टिंग करियर को दिशा देने में जुट चुके हैं। सूरज के अपने करियर को लेकर सुदेश बेरी का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे को कभी फोर्स नहीं किया, हाँ फिर भी वो जो करना चाहता है एक पिता होने के नाते उसके लिए वे कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।